खुश्क धनिया से हरा धनिया उगाएं घर पर कैसे लगा सकते हैं? खुश्क धनिया को और हरा धनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं? 5-6 दिन लगते हैं पौधों को उगने में। तो ये मेरे जो पौधे लगे हुए हैं इनको तकरीबन 10 दिन हो गए होंगे, तो इनका साइज़ भी 1.5 इंच के करीब हो चुका है। एक प्लास्टिक बोतल मैंने ऊपर से काटी है और उसके अंदर मैंने अपने धनिया के बीज लगा दिए। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ प्रॉब्लम की, कि बहुत ज़्यादा दोस्त सीड लगाते हैं लेकिन सीड उगता क्यों नहीं है, और बीज किस किस्म का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें अच्छा रिज़ल्ट मिले। और बहुत सारे दोस्तों का ये मसला होता है कि जब वो धनिया को लगाते हैं तो थोड़ा सा उग तो जाता है लेकिन उससे बड़ा साइज़ नहीं हो पाता। तो ये सारे मसले मसाले इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा बीज की। बीज बहुत ज़्यादा दोस्त किचन से पकड़ते हैं और उसको बीज को लगा देते हैं, बांस का बीज उग जाता है, बांस का बीज बिल्कुल भी नहीं उग पाता। उसकी रीज़न मैं बता दूं, धनिया का बीज परचून की दुकान पे पड़ा पड़ा बांस टाइम बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें ना बार बार नमी भी आती है और वो ड्राई भी हो रहा होता है एक ही दुकान के अंदर पड़ा पड़ा। लेकिन हम अपने किचन के लिए जब लेके आते हैं तो वहाँ से हम पकड़ के जब बीज लगाते हैं तो उसके अंदर उगने वाली जो उसकी ताकत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, तो इस वजह से आपका बीज उग नहीं पाता। कोशिश किया करें कि फ्रेश धनिया का बीज लिया करें। अब बात आ गई कि फ्रेश बीज कहाँ से लें, दराज से भी मिल जाता है ऑनलाइन। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वेबसाइट हैं जहाँ से इजीली आपको बीज मिल जाएगा। अगर वेजिटेबल मंडी में जाएंगे वहाँ से मिल जाता है, नर्सरी वालों के पास जाएंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। उनका ज़रा बीज फ्रेश होता है और बास बीज उन्होंने केमिकल ऊपर लगाया होता है, उससे क्या होता है कि आपका जो बीज है 100% उगता है। मतलब आपने 10 बीज लगाए उसमें से 9 बीज इंशाल्लाह आपके उग जाएंगे। अगर किचन से पकड़ के आप लगाएंगे तो 10 बीजों के अंदर से 4 से 5 बीज उगेंगे, बाकी बीज नहीं उगेंगे। ये इतना ज़्यादा फ़र्क आ रहा होता है। इसको किस सीज़न के अंदर हम लगा सकते हैं? तो इसको हम लगा सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इजीली आप धनिया को लगा सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको लगाने का। मैं सीडलिंग की तरतीब नहीं बता रहा, उसके लिए आपको ये ऊपर एक लिंक आ रहा है जो मैंने इसके अंदर बीज लगाए थे वो वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, इस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के एंड पर भी दे दूंगा कि जो हमने 10 दिन पहले इन बोतलों के अंदर बीज को लगाया था उसमें मैंने तफसील से बता दिया था। अब इस बात की तरफ आ जाते हैं, उन दोस्तों का मसला कि जो पौधे उग तो जाते हैं लेकिन बाद में बड़े नहीं हो रहे होते, वो मसला ये होता है कि वो शेडी एरिया में बीजों को लगा देते हैं। मतलब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे धूप रहती होगी तो उसके बाद सारी छांव रहती है। इस तरह के जो मौसम होता है उसमें भी आपके पौधे सही तरह से उग नहीं सकते। तो उसके लिए आपको करना ये होता है कि बीज जब भी आप लगाएं तो डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। गर्मियों की बात नहीं कर रहा, विंटर सीज़न की बात कर रहा हूँ। तो जो मैंने बीज लगाया था इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट के रखना है और कम से कम 4 से 5 घंटे धनिया के लिए धूप का होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा मसला आपके साथ शेयर करता रहूँ, जब बीज लगाएं तो खुले एरिया में रखा करें, छत के उस हिस्से में रखा करें। फ़र्ज़ करें छत की दीवारें हैं जो बाउंड्री वाल होती है सेफ्टी के लिए, तो उसके साथ आपने बोतलों को जोड़ के नहीं रखना, उससे थोड़ा सा दूर रखना है, 1 से 1.5 फीट दूर, ताकि उसको खुली हवा मिट्टी को मिलती रहे। दूसरा, जब पौधे उगें तो उनको भी खुली हवा मिलती रहे, तो आपके पौधे भी सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाले पौधे आपके निकलने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद बात करेंगे कि मिट्टी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गार्डन सॉयल ले लें, उसको बोतलों के अंदर डाल लें। जो मिट्टी की डेप्थ है वो 3 से 4 इंच भी होगी तो धनिया बेहतरीन उगेगा, तो उसके अंदर आप लगा सकते हैं धनिया। मैंने बोतलों के अंदर धनिया लगाया था, उसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है, तो चैनल के अंदर आप वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। छोटी बोतलों के अंदर जो ये वाली बोतलें हैं, तो मेरी छत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस तरह का साजो सामान पड़ा रहता है, उस काफ़ी ज़्यादा साजो सामान के अंदर मैंने अपनी गार्डनिंग की हुई है। इन बोतलों के अंदर लगाने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेट करना कि आप भी किसी भी बर्तन को पकड़ के, जो इस्तेमाल में नहीं है बर्तन, जिसको आप फेंकने वाले हैं उसको आप फेंके ये मत, उसके अंदर धनिया लगा दें, सलाद पत्ता लगा दें, लाल मूली लगा सकते हैं। लाल मूली के लिए भी मिट्टी की डेप्थ 4 से 5 इंच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पालक लगा सकते हैं, इस तरह साग के पौधे लगा सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं जो आप इजीली अपने घर में लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि पानी कब देना होता है। पानी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, रोला ढल जाता है वो ये
कि बहुत ज़्यादा दोस्तों को यह नहीं पता चलता कि पानी मैंने कब इस्तेमाल करना है। बाज तो बिल्कुल भी ड्राई कर देते हैं मिट्टी को, और बाज बिल्कुल गीली मिट्टी होती है फिर ऊपर से पानी उंडेल देते हैं, उन्हें लगता है कि शायद इन्हें पानी की ज़रूरत है। तो मेजॉरिटी में पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे के मुताबिक हम अपने पौधों को पानी ज़्यादा देने की वजह से मार देते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल मैं तरीकाकार बताया करता हूँ कि आपने जब ये देखें, ये मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको ऊपर अच्छी खासी नमी दिखाई दे रही है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। चाहे ये नमी 3-4 दिन इसके ऊपर रहे, मैंने पानी इस्तेमाल नहीं करना। हमें एक ये भी होता है कि यार 2 दिन गुजर गए मैंने पानी नहीं दिया पौधों को, धड़ल पानी डाल दिया ये सोचे समझे बगैर कि इसके अंदर अच्छी खासी नमी है, मिट्टी मेरी गीली है, तो फिर भी हम पानी डाल देते हैं, यार 2 दिन से मैंने पानी नहीं डाला था पौधों को, तो ये मसला पैदा हो जाता है। मैं ये यहाँ पे नहीं कह सकता कि आपको इतने दिनों बाद पानी इस्तेमाल करना है, कि बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर वेरिएशन होती है। बाज़ मिट्टी वेल ड्रेन होती है, बाज़ मिट्टी अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी को होल्ड करके रखती है, बाज़ मिट्टी मीडियम किस्म की होती है। तो इस वजह से दिन नहीं बताए जा सकते कि आपको कितने दिन में पानी देना है, और मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके एरिए का मौसम गर्म है और मेरे एरिए का मौसम अगर ठंडा मीठा है तो मुझे थोड़ा सा लेट पानी देना है, अगर आपका गर्म है तो आपको जल्दी पानी देना है। तो इस वजह से दिन नहीं बता सकते। इस वजह से आपने जब पौधे को देखना है, मिट्टी को देखना है, और आपको लगे कि हल्की सी नमी रह गई है, तो फिर आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नमी ज़्यादा है जैसे इसमें है, इस बोतल के अंदर है, तो क्या होगा, आप दोबारा पानी देंगे तो इससे पौधे आपके मरना शुरू हो जाएंगे और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। यह सीडलिंग मैंने बिखेर कर की थी, और ये सीडलिंग मैंने गुच्छोनुमा की है, मतलब ये गुच्छेनुमा इस वजह से की है जब ये धनिया का पूरा पूरा एक गुच्छा बाहर निकलेगा, उसको सीजर से काट लेंगे, नीचे से फिर से धनिया उगाएगा। तो ये जो बखेर कर करते हैं इसमें मसला एक आता है बस, वो ये कि आपको तोड़ने में ज़रा मुश्किल होगी, सीजर लगाने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, ये भी दोबारा ही उगेगा। तो एक दफ़ा धनिया जब आप लगा लें तो उसको 3 से 4 दफ़ा आप पौधे को हार्वेस्ट कर सकते हैं, जड़ों समेत नहीं निकाल देना, और बिल्कुल नीचे से रख के आपने नहीं धनिया को काटना। जब आप धनिया काटने लगेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि नीचे इस तरह के नए नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं, तो उससे थोड़ा सा सीजर ऊपर रख के आप ऊपर वाला सारा धनिया ले लें, नीचे वाले पत्तों को नहीं काटिएगा, वो 2-3 दिन बाद फिर आपका धनिया तैयार होना शुरू हो जाएगा। धनिया के ऊपर डिटेल्स इस वजह से मैंने बात की है कि धनिया हर घर की ज़रूरत है, हंडिया में, दालों में, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारा धनिया डलता है। तो इसके लिए आपके घर के अंदर फ्रेश ऑर्गेनिक धनिया होना बहुत ज़रूरी है। 3-4 छोटे छोटे गमलों के अंदर लगाकर आप एक कोने के अंदर रख सकते हैं, जब भी ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा धनिया फ्रेश तोड़ा और हंडिया में डाल लिया। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।